सबसे पहले तो जनवरी में एक मुहिम चली कि ऐसी एक कहानी बनेगी जिसका नाम है रंजू की बेटियाँ। तो ये इस सफ़र पर हम निकल पड़े, दंगल टीवी के साथ रश्मि शर्मा और हम सब यूनिट मेंबर्स चल पड़े और एक खूबसूरत कहानी परोई गई। उसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, हमने बहुत कुछ देखा इस कहानी में। इस कैरेक्टर को बढ़ते हुए देखा, गिरते हुए देखा, वापस बढ़ते हुए देखा, लोगों की प्रशंसा देखी, लोगों का प्यार देखा, आप लोगों की मोहब्बत देखी और आज हम इस मुकाम पर आ गए हैं जहां हम लोग ने 200 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। ये आज के दौर में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि मजॉरिटी ऑफ शोज़ ऑफ एयर बहुत जल्दी हो जाते हैं और इस कामयाबी का श्रेय मैं हमारे पूरे टीम को दूंगा, दंगल टीवी को, हमारे जो क्रिएटिव्स हैं रश्मि जी को दूंगा, उनकी पूरे प्रोडक्शन टीम को दूंगा एंड ऑफ कोर्स माय होल यूनिट। व्हाट अ फैबुलस जॉब दे हैव डन। बड़ी खुशी हो रही है, ये 200 एपिसोड्स कंप्लीट हुई हैं और मैं दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारे शो को सहारा दिया, उसकी प्रशंसा की। आप लोगों की वजह से आज हम ये 200 एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई विश यू ऑल ऑल्सो कंग्रेचुलेशन। गुड्डू मिश्रा जी के बारे में बताइए और उनकी जो ललिता के साथ इक्वेशन है उनके बारे में बताइए। गुड्डू मिश्रा और ललिता मिश्रा, ये तो एक ऐसी पहेली है कि आज तक हम समझ रहे हैं, कभी प्यार है, कभी मोहब्बत है, कभी टकरार है। ललिता मिश्रा एक ऐसी कैरेक्टर है यू विल लव हर एंड हेट हर। शी इज़ द, मैं कहूँगा ना, मसाला ऑफ आर शो। उनकी वजह से बहुत कुछ हमारी कहानी ड्राइव होती है, हमारी जो बहुत ही जिसको बोलते हैं जो संस्कारी बहू, वो है रंजू। और गुड्डू को एक अपनी ज़िंदगी में बहुत लेट उसको एक सीख मिली है, ललिता मिश्रा की वजह से उसको सीख मिली है, रंजू मिश्रा की वजह से उसको सीख मिली है। तो ये एक कहानी के तौर पर एक बहुत अच्छा मैसेज है जो ऑडियंस को दिया जा रहा है। सर, ये आज जो सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस के बारे में कुछ बताइए। ये शादी हो रही है जो जी, आज का गन जो पॉइंट पे। जी आज का सीक्वेंस बड़ा पेचीदा सीक्वेंस है। रोशनी एक नई कैरेक्टर है जो आई है, जो विशेष के लाइफ में आई है और वो विशेष को पाना चाहती है, विशेष से शादी करना चाहती है और वो चाहती है कि शालू जो विशेष की पत्नी है वो उसको मक्खी की तरह उसकी ज़िंदगी से उठा के उसको बाहर फेंक दे। जाहिर सी बात है, इस बात से ना गुड्डू खुश है, ना रंजू खुश है, ना विशेष खुश है, लेकिन रोशनी की ये ज़िद है कि ये वो कर करके ही रहेगी कि वो विशेष को हासिल करेगी। तो ये एक सीक्वेंस हम शूट कर रहे हैं जिसमें बहुत कुछ होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। ओके सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। ललिता मिश्रा तो शाही भी हैं और देखते ही देखते 200 एपिसोड आज कंप्लीट हो गया, केक काट लिया हम लोगों ने, तो कब काटा? अभी काटेंगे मतलब इसमें लगेगी हमने काट लिया, काटने के बाद शुरू हुआ। अरे मैं ऐसी हूँ ना, पता तो है आप लोगों को। तो बताइए कि 200 एपिसोड देखते देखते हो गए, टीआरपी बहुत अच्छी है, लोग पसंद कर रहे हैं ललिता को और आज इतना बड़ा चाल चला जा रहा है, रोशनी अंधकार फैलाने की तैयारी में है, तो क्या कहेंगे आप? हाय हाय एवरीवन, ये ललिता है, दीपशिखा ऐसी नहीं है। देखो, अगर ललिता ऐसा नहीं करेगी तो 200 एपिसोड कहाँ से पहुँचते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरी टीम को, डायरेक्शन, कैमरा, एक्टर, सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आप सबको भी, कि रंजू रंजू की बेटियों ने 200 एपिसोड कंप्लीट किए आज। एंड ये सब आप लोग का प्यार ही है, सबकी मेहनत है एंड इट इज़ ऑल द टीम वर्क। सो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस शो बिकॉज ललिता इज़ ललिता, कांडी करने में वो पीछे नहीं हटती, बट ललिता गलत नहीं है। जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि उसकी लाइफ का फोकस एक ही है, मेरे बच्चे और मेरा पति। वो अच्छी खासी अपने पति शोना बाबू के साथ रह रही थी, रंजू अपनी बेटियों के साथ शहर में आ गई और हमारे पति जो गुड्डू जी है उनका ध्यान उन पर चला गया। तो फिर वही है ना, मेरे पति के साथ गुल्लू गुल्लू करेगी तो मैं कैसे छोड़ूंगी। बस उसको साम दाम दंड भेद करके वो कुछ ना कुछ चाल करती रहती है एंड ऑडियंस को बिजी रखती है। तो ऐसे करते करते आज 200 एपिसोड हो गए, सो वी ऑल डिजर्व द क्लैप एंड यस, हमने केक काटा है सेट पे, वो तो मैं मस्ती करती रहती हूँ। तो यही है ललिता की चाल, कभी रोशनी, कभी बंटी, कभी ये, कभी वो, तो ऐसे।
हम चाहते हैं कि बस ये नंबर वन शो है और नंबर वन रहे और हमेशा ऐसे चलता रहे सिलसिला। और ये रोशनी आज गन पॉइंट पे शादी का क्या सिलसिला है? रोशनी को मैंने प्लांट किया था ताकि वो विशेष और शालू की ज़िंदगी में भूचाल मचाए। मेरा मकसद ये है कि जो छोड़ी औरत उसकी रंजू कहला रही है वो रोशनी भी शालू भी कहलाए, तो ये मेरी चाल थी। लेकिन रोशनी ने डबल गेम खेल लिया, उसने ललिता का घर भी वापस दिला दिया और उसको गेम करते करते विशेष से प्यार हो गया, तो वो गन पॉइंट पे शादी करा रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी व्हाट शी डिड। तो ललिता का घर वापस मिल जाएगा बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रोशनी के बाद और एक धमाकेदार, जैसे लास्ट टाइम आप आए थे रेशमा के टाइम पे मैंने बोला था अभी बाकी है, रोशनी के बॉम्ब के बाद और एक बॉम्ब फटना बाकी है। थैंक यू। आई वॉन्ट टू कॉल माई कलीग, माई को एक्टर करण हियर, अयूब एंड जिवांच कहाँ हैं मुझे पता नहीं, सब ये लंच टाइम पे लोग आते हैं। सो ही इज प्लेइंग माई सन इन द शो, यू ऑल नो। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि ये शो मेरे लिए एक फैमिली है। मैं हमेशा बोलती हूँ नागपाल फैमिली बाय बाय, मिश्रा फैमिली वेलकम। तो मैं, करण, जिवांश, अयूब और हमारी जो माँ है, हम पांचों की ऐसी तगड़ी जोड़ी है और हम साथ में खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं। अब पांच में से चार हो गए, चार साथ में झगड़ते भी हैं, हम बहुत झगड़ा करते हैं, हम रील भी बनाते हैं। और यही है कि एक चीज़ होती है ना कि आप काम भी कर रहे हो, आप इन्जॉय भी कर रहे हो और वो केमिस्ट्री दिखती है। सो करण एंड जिवांश दे बोथ आर फैंटास्टिक एक्टर एंड अयूब तो अयूब ही है, सबको पता है। सो हमारी सबकी जो केमिस्ट्री है बहुत बड़ा मजा आता है करने के लिए। दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू सो मच। आज पहली बार मेरी इतनी तारीफ हुई है। तो भाई वाह, सो अगेन थैंक यू वेरी मच। संजू की बेटियां कंप्लीटेड 200 एपिसोड, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं तो मिड सीरियल से आई हूँ, 3 महीने पहले मेरी एंट्री हुई है। मैं इस रंजू की बेटियाँ में रोशनी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। रोशनी एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ऐसा नेगेटिव प्ले करने में। रोशनी वो एंट्री हुई है रोशनी की, जो इस शो के सबसे क्यूट कपल विशेष एंड शालू, उन दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट कर रही है, वो है रोशनी। रोशनी ने आज 200 एपिसोड पूरा हुआ और आज रोशनी अपना रिवीलिंग सीन शूट कर रही है और रोशनी ने अपने गन की ताकत पे पूरे लोगों को हिला रखा है, धूम मचा रखा है। एक्चुअली वो रोशनी साइको वे में आ गई है कि उसको विशेष से शादी करनी है। तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं चाहूँगी कि आगे मुझे ऐसे कैरेक्टर प्ले, चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए। एवरी वन इज सो कूल, सो नाइस टू मी। एक्चुअली बहुत सब लोग बहुत अच्छे, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। पहले तो मैं सोच रही थी मेरी एंट्री हो रही बीच सीरियल से, तो एक्चुअली होता है जब स्टार्टिंग होता है तो सब एक फैमिली बॉन्डिंग बन जाती है और मैं बीच से जा रही तो कैसा होगा सबका रिएक्शन मेरे लिए, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, सब लोग बहुत कूल है यहाँ पे। ये सीन सब कुछ तो नहीं बता सकती, हाँ, लेकिन ये रोशनी का रिवीलिंग सीन शूट हो रहा है। रोशनी क्या एंड में करने वाली, जिस मोटिव से आई थी वो सीन शूट हो रहा है और रोशनी अपने मकसद में कामयाब होती है कि नहीं, इसके लिए तो देखना पड़ेगा रंजू की बेटियां एट 9:30 ओनली ऑन दंगल चैनल। ये शादी का अटायर है, ये रोशनी की शादी का अटायर है, रोशनी की शादी का अटायर है। जो ये ब्लाउज का ये जो डिज़ाइन है वो रोशनी का स्टाइल है, ये कि रोशनी को यहाँ बहुत मॉडर्न दिखाया गया है। तो ऐसे आउटडोर शूट था तो ऐसे बहुत गर्मी धूप की वजह से थोड़ा लहंगा थोड़ा बहुत लाइट वेट है, ठीक है, लेकिन अंदर इंडोर शूट रहता तो बहुत ही हेवी मिलने वाला था, बट ये भी काफ़ी कूल है। थैंक एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं रश्मि शर्मा और दंगल टीवी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने लकी मिश्रा का कैरेक्टर मैं मुझे कास्ट किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि क्योंकि मैंने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि शो का नाम है रंजू की बेटियाँ, तो मुझे लगा था कि शायद इतना कुछ होगा नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी द वे ऑडियंस को मेरा कैरेक्टर पसंद आ रहा है, लोग मुझे लकी मिश्रा के किरदार को पसंद कर रहे हैं। सो एंड मैं दिल से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज हमने 200 एपिसोड पूरे कंप्लीट कर लिए। मैंने आज तक ही मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने जो भी शो किया है वो 300 एपिसोड के पार हुआ ही है, सो आई एम होपिंग कि ये भी पार होगा। और मैं पूरी यूनिट
हमारे जो डायरेक्टर है क्रिएटिव उन सबको भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, आज उनकी वजह से ही है हमारा ये जो रंजू की बेटा शो है वो 2 एपिसोड पार कर पा रहा है, और भगवान करे आगे और भी। और आज जो शादी हो रही है, रश्मि छाई हुई हैं शादी में, तो क्या कहना चाहें? रोशनी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे ओबियसली ये भी एक ललिता जी का प्लान है, तो देखते हैं कि इस प्लान कैसे ये प्लान भी एक्सिक्यूट होता है, किसमें भी हम लोग फेल होते हैं, तो काफ़ी धूमधाम से किया जा रहा है। ओबियसली आउटडोर शूट है तो बहुत धूप भी है, हमारे हम सब कॉपरेट कर रहे हैं, हमारी यूनिट भी है, सो मज़ा आ रहा है। ठीक ओके। और एंजॉय कैसा कर रहे हैं आपका कैरेक्टर? मैं अपना कैरेक्टर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट में मुझे लगा था कि इतना कुछ होगा नहीं मेरे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, बट इसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। एंड लकी मिस्टर जो कैरेक्टर है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो वो अपना माँ का साथ छोड़ के कभी नहीं जाएगा, तो आप आगे शो में भी देखोगे कि वो अपने माँ के साथ ही रहता है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम प्लेइंग लकी मिश्रा। अच्छा करण, अभी आपने बताया कि आपके 300 एपिसोड पूरे हुए हैं, हाँ, तो आप बताइए आपकी जर्नी के बारे में और कौन से शो? आज जर्नी मैंने इससे पहले मैंने किया था सिद्धिविनायक शो किया था NTV पे, तो वो भी करीबन 340 एपिसोड चले थे। उससे पहले मैंने सातिया किया था स्टार प्लस पे, तू मेरा हीरो किया था मैंने, तेरी मेरी लव स्टोरी, ये सब मैंने स्टार प्लस के शोज़ किए थे। थैंक यू। फिलहाल तो रंजू की बेटिया में बहुत कुछ हो रहा है, मतलब देखा जाए तो ड्रामा लेवल यहाँ है इस वक्त शो का, एंड ऑफ कोर्स 200 एपिसोड्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो उस चीज़ की एक एक्साइटमेंट भी है यू नो जनरली हवा में, बिकॉज आजकल 3-3 महीने में शो बंद हो रहे हैं, तो यू नो व्हेन यू कंप्लीट 200 एपिसोड्स तो ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो आ ही जाता है। सो ड्रामा वाइज देखा जाए तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, बट हाँ बहुत सारे लोग गन पॉइंट पे हैं और बहुत सारे लोग मार खाने वाले हैं, इतना मैं बोल सकती हूँ। और जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अभी तक, कितना एंजॉय किया इस कैरेक्टर को और अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? आई थिंक मैंने बुलबुल मिश्रा को जितना एंजॉय किया है इतना शायद ही किसी रोल को एंजॉय किया होगा, बिकॉज मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था जिस तरह से मैं पली बड़ी हूँ कि मैं मार पाऊँगी लड़कों को ही नहीं, इतने बड़े बड़े मुश्तंडों को मार रही है ये लड़की और यू नो धोबी पछाड़ देती है, तो करने बहुत मज़ा आता है, बहुत डर भी लगता है कभी कभी यू नो कि ओ माय गॉड कहीं चोट वोट ना लग जाए, बट अभी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए हैं शूट करते करते एंड आई फील लाइक कभी कभी कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कि सच में किसी दिन किसी को पटक दूंगी। एक्शन सीक्वेंस है काफ़ी बहुत सारे एंड बुलबुल ऐसा हीरो है शो का, तो मारती है लोगों को, जबकि मुझे मतलब पर्सनल लाइफ में ऐसे बिल्कुल किसी को मारना पटकना अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ शूट करते हुए मज़ा बड़ा आता है। थैंक यू। इसको कहते हैं बीइंग 54। क्या है कि हमारे हमारा जो गुड्डू मिश्रा का जो कैरेक्टर है उसको दिखाया गया है कि वो उसको एक पैरालिटिक स्ट्रोक आता है, फिर बाद में वो ऐसे ऐसे चलने लगता है, तो उसकी वजह से मुझे एक छड़ी दी गई थी और उस छड़ी के सहारे मुझे चलना है हर सीन्स में। अब अगर आप हमारे सेट को देखेंगे तो उसका जो फर्श है बहुत ही साफ, ये देखेंगे जैसे आप देखेंगे बहुत ही जिसको बोलते हैं ना स्लिक, एकदम स्लिक फर्श है, और वो जो छड़ी उन्होंने मुझे दी थी उसका जो नीचे का जो वो एंड है उस पर एक रबर होना था, वो रबर निकल गया। अब वो रबर निकल गया तो वो मेटल रह गया। अब सीन में मुझे नहीं पता था, तो सीन में चलना था और चलते चलते वो छड़ी जो थी हल्की सी फिसल गई। अब अगर 24 होते तो हम अपने आप को संभाल लेते, अब 54 है तो संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से हम अब लंगड़ा रहे हैं। ये बहुत खुशी का दिन है, स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे शोज़ 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलते हैं। 200 एपिसोड कंप्लीट करना इट्स बिग थिंग फॉर अस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड और भी ज़्यादा 200 और के बाद आप लोग फिर से हमसे ये इंटरव्यू करें, आई एम वेटिंग फॉर दैट। इट हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, इसी के बीच में कोविड आया। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब सिर्फ ऐसे रूमर्स थे कि मतलब सेकेंड वेव आ रही है, फर्स्ट वेव ख़त्म हो चुकी थी, सेकेंड वेव आ रही है, कोई बिलीव करता था कोई बोलता था नहीं इट्स जस्ट अ रूमर, हाइप है ये है, तो बहुत ही कन्फ्यूजन था, किसी को समझ नहीं आ रहा था सेट पर भी कि कितनी सीरियसली इस चीज़ को लिया जाए।
कोई बोलता था कि मास्क पहने बिना आपने नहीं करना है, किसी को लगता था कि ये बस ओवर प्रिकॉशंस हो रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। तो वो फेज बहुत ही कंफ्यूजन में, मतलब शूटिंग करते करते भी समझ नहीं आ रहा था कि डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सच है या नहीं है। उसके बाद जब ये कोविड अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट वेव में क्या था कि किसी का हुआ किसी का हुआ, सेकंड वेव में जब ये धीरे धीरे बढ़ा एंड अपनी खुद की फैमिली इमीडिएट फ्रेंड्स के बारे में सुनना शुरू, मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि दिस इज़ सो रियल, इट इज़ हैपनिंग, और हम लोग शूट कर रहे हैं, शूटिंग में हम लोग अपने आप को कितना रिस्क पे डाल रहे हैं, गॉड फॉरबिड कहीं कल को हमारी अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड अपनी मदर फादर को कुछ ना हो जाए, हमारी वजह से ना हो जाए, चले हम तो शूटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना वो क्रिएटिव वो चाहिए, हमारा घर भी चल रहा है सब कुछ, लेकिन हमारी वजह से कोई और सोसाइटी में, लाइक उसी दौरान मेरी सोसाइटी भी सील हो गई थी एंड हम लोग लिटरली सोसाइटी से अपना सामान लेके, माय हस्बैंड एंड मी वी लिटरली रैन बिफोर द गेट्स को क्लोज कि सील हो गई, क्योंकि शूटिंग है 15 दिन शूटिंग वो लोग विदाउट रंजू कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग लिटरली बाहर गाड़ी में बैठ के कि नाउ व्हाट, सामान निकाल लिया, कल शूटिंग है, वापस घर जा नहीं सकते, अब कहाँ जाएं, क्या करें। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, फिर वो 15 दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने कभी 3 दिन यहाँ होटल में, कभी 2 दिन फ्रेंड के घर, कभी इनके फार्म हाउस, मतलब ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने 15 दिन शूटिंग के गुजारे, विच हैव बीन वेरी ब्यूटिफुल जर्नी ऑल्सो बिकॉज माई हस्बैंड वॉज देयर, सो इट बिकेम लाइक एन एडवेंचरस थिंग। एट द सेम टाइम थोड़ा ये भी था कि कैसे क्या टाइम आ गया, कितना ये चलेगा, कब तक चलेगा। 15 दिन ख़त्म हुए, हम लोग वापस अपने घर आए जब अनसील हुआ हमारी बिल्डिंग और पता चला कि पूरा का पूरा बॉम्बे की इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, कोई हैदराबाद में, कोई गोवा में, हम लोग सिलवासा, तो हमें फिर पैकिंग, मतलब कि अभी कपड़े निकाले नहीं थे कि वापस चलो सिलवासा, अब सिलवासा में गए, यही कन्फ्यूजन कि कब तक वहाँ पे रहेंगे, कितना टाइम शूटिंग कर रहे हैं, जो आउटडोर हम लोगों ने शूटिंग की अपना पूरा सेट वेट छोड़ के, जो धूप में गर्मी में 20 मतलब लिटरली सुबह 7 से 7 की शिफ्ट में जो हम लोगों ने इतने टैन हुए आउटडोर शूटिंग कर करके कि पूरा आउटडोर का तो मतलब डर लगता है कि आज हमारा आउटडोर है ना, हमें डर लग रहा है कि ओह नो फिर से धूप, तो उस तरह का, बट एट द सेम टाइम पूरा यूनिट इकट्ठे, हमारे जो पहले से ही रंजू और रंजू की बेटियों का जो बॉन्ड था, दैट बिकेम इवन वी बिकेम सो क्लोज कि मतलब आज तक वो ऐसा है कि वो सिलवासा में हम ये किया करते थे इकट्ठे, डिनर के बाद वॉक किया करते थे, तो मतलब इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। एट द सेम टाइम बैकड्रॉप में वो फियर है ही है, तो ये चीज़ें मतलब मेरे को बोलते हुए भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या फेज था, इट वॉज अ ब्यूटीफुल वन, और वॉज इट लाइक हम लोग खुश हैं इंजॉय कर रहे हैं, एट द सेम टाइम सडनली एक मैसेज आता है कि सो एंड सो हैज़ पास्ड अवे, तो समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, खुश होने के लिए गिल्टी फील होता था, एट द सेम टाइम यू फील सॉरो फॉर द पर्सन्स लॉस, तो इट हैज़ बीन अ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड उसके दौरान हमारी शूटिंग चलती रही। TRPs also हमारा अप एंड डाउन जैसे हर शो में होता है, सो इट हैज़ बीन अ वेरी एडवेंचरस लाइफ में हमेशा ये मुझे याद रहेगा, ये वाला फेज़ रंजू की बेटियों का किस तरह से हम लोगों ने शूटिंग किया, और अभी भी वी डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वेव, वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, कि अब क्या कैसे रिएक्ट करें, अब नम हो गए हैं। आज का जो सीक्वेंस है मैम वो क्या है? अभी ये है कि जैसा कि शो में चलता आया है कि ललिता रंजू से नफ़रत करती है, उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि रंजू की वजह से उसका पति उससे अलग हो गया है, एंड वो हर छोटे से छोटी चीज़ पे वो अपनी बैर निकालने की कोशिश करती है, खुंदस निकालती है, बदला लेने की कोशिश करती है रंजू से। तो अभी उसने एक लड़की को प्लांट किया हुआ है जो कि मेरी डॉटर शालू के घर में उसके हस्बैंड और उसके बीच में
दरार डालने के लिए उसे रखा हुआ है। तो इस ये जो सीक्वेंस है इसमें उसकी असलियत पता चल जाती है कि ललिता ने ये सारा खेल खेला है ताकि रंजू और उसकी बेटियों को वो जितना तड़पा सके, उनकी लाइफ जितनी मिजरेबल कर सके वो करें। तो वो जो लड़की है अब गन पॉइंट पे, क्योंकि वैसे तो जो मेरी डॉटर का हस्बैंड है वो तो मानेगा नहीं शादी के लिए, तो वो गन पॉइंट पे सबको थ्रेटन करके शादी का सीक्वेंस है कि वो उससे शादी करने जा रही है। ओके, थैंक यू।